करना है, उसके जो सपने हैं, उसके जो बहुत सारे ख्वाहिशात हैं, उसका भी लिहाज करते हुए, क्योंकि आजकल के ज़माने में एक लड़का एक लड़की इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर आप डिफरेंस करते हैं तो ये क्राइम है। तो इसी के चलते अभी जो ये, लेकिन आज का जो आइस हॉकी है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार हमारी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, खासकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, जो कि कहीं ना कहीं फिर से दब जाती है। एक तो विमेन है, सेकेंडली मुस्लिम कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि उस दायरे से उभर के यहाँ पे मेल्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर पार्टिसिपेट करती हुई दिख रही है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस बात को कि गर्ल्स भी आगे पार्टिसिपेट करें। हालांकि आइस हॉकी जैसे खतरनाक जो स्पोर्ट्स माना जाता है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, ये वो बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस वाला नहीं है, जो कि आज तक हमारी गर्ल्स वैसे भी करती आ रही हैं। अब जो दौर है वो क्रिकेट का दौर है, वो आइस हॉकी जैसे खतरनाक एडवेंचर स्पोर्ट्स का दौर है, और बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इस जैसे खतरनाक लेवल के स्पोर्ट्स में भी हमारी गर्ल्स को पीछे नहीं रखा, उनका हाथ थाम के उनको सप्रेशन से बाहर निकाला है। और शोकी साहब, मैं बताना चाहूँगी कि आज का जो फाइनल जो मैच था वो ले के साथ हुआ हमारा, और ले के टीम का हमें पता है कि पहले ही वो लोग खेल रहे हैं, वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, और हमारी कारगिल की बच्चियां जो आज पार्टिसिपेट करी, उनके लिए भी एक बहुत ऐसा अपॉर्चुनिटी था कि अपने जो ऑपोजिट जो प्लेयर है उसको भी देख के, उसको भी अपने ही जो अंदर उसके इतने सारे ख्वाहिशात हैं, इतने सारे उसके ड्रीम्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने उस ऑपोजिशन वाले प्लेयर के साथ रख के नए नए सपने उसने इसी जो 15 मिनट का जो मैच हुआ उसमें देख लिया होगा उस बच्ची ने, और उसने इसी 15 मिनट में आगे मुझे क्या करना है इस फील्ड में आइस हॉकी को लेके, ये सब किताबें उसने भी देख लिया होगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि ऐसे स्पोर्ट्स के मौके में भी गर्ल्स को पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सबक आमोस सजेशन के लिए कि आपने अच्छी अपने आधार रखी, अपने ख्याल का इजहार किया। इनको तो गर्मी है ना यार, तो गेट पे आपके रिफ्रेशमेंट आया हुआ है, कैप्टन कोच मैनेजर आप लोग उन प्लेयर्स को लेके वहाँ गेट के सामने आपका रिफ्रेशमेंट आया हुआ है, वो आप ले लें बरोला होटल के पार्टी में जो ठहरे हुए थे हमारे पार्टिसिपेंट से। तो बात कर रहे थे कि आप क्वीन ऑफ द किचन बने, तो उस दायरे से आप बाहर निकले ताकि लड़कियों को लड़कों के साथ शोल्डर टू शोल्डर काम करना है, आगे बढ़ना है, ये आपकी आ रहा है, और ये दिख भी रहा है कि आजकल करगिल के सिर्फ लड़के ही नहीं, बिहाइंड द सीन रिशूट पहुंचावन वसुम आप लोग थोड़ा सा साइड में रहे प्लीज, साथ में चिकन के प्लेयर आप थोड़ा साइड में बैठे, क्योंकि अभी तक हमने जो मेहनत की है फिर से हमारा और जाया हो जाएगा। थोड़ी देर आप लोग आपसे आराम करके रखिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा मुकाबला अभी आने वाला है,
हमारी वीआईपी तकरीबन चंद लम्हों बाद यहाँ पहुँचने वाला है, तब तक आप थोड़ा हम कार्य करें, आराम से बैठे रहें, विश्राम लें, भले आप अपने आप से थोड़ा वार्म अप करते रहें, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी इजाफा जरूर हुई है। ये सभी के एहसास में है कि सूरज ढल चुकी है और सूरज ढलने के बाद हमारे जो लद्दाख के क्षेत्र में